गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। द अमीबा इज ए यूनिसेलर एनिमल। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मीन्स इट्स बॉडी इज मेड अप फ्रॉम द सिंगल सेल दैट फीड्स ऑन बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यह दैट फीड जो भोजन के लिए निर्भर है ऑन बैक्टीरिया, यानी जो खाता है बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, सूक्ष्मदर्शी शैवाल, मीन्स वेरी टिनी एल्गी दैट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एल्गी। अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिनका शरीर सिंगल सेल से बना है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स इसका भोजन है बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और सम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। दीज आर द फूड फॉर द अमीबा। इट मूव बाय एक्सटेंडिंग इट्स बॉडी इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इट मूव्स, ये गति करता है बाय एक्सटेंडिंग इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को फैलाते हुए, इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के रूप में कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिन्हें स्यूडोपोडिया कहा जाता है। मीन्स इट डज नॉट हैव एनी स्पेशल फूड्स फिट। इट मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड स्यूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन that appear from any place of the body। यानी ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अंगुली के जैसे प्रवर्ध हैं, जो बॉडी में किसी भी स्थान से उभर कर बाहर निकलते हैं। यू कैन सी हियर अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशल शेप, वी कैन मेक द एनी टाइप ऑफ अमीबा बॉडी शेप। And these outgrowths, this is the outgrowth of the amoeba, finger-like projection we can say, this is the pseudopodia. And amoeba move from these pseudopodia, amoeba capture the food by these pseudopodia. The pseudopodia makes a food vacuole, here it is completed, first a socket type food vacuole is made up from the pseudopodia. The amoeba ingests its food by using the pseudopodia to engulf the food and take it into its body. Amoeba ingests its food by using the pseudopodia. Amoeba bhojan ko ingest karta hai pseudopodia ka use karte hue to engulf the food, यानी भोजन को निकलने के लिए, and take it into its body, अपने बॉडी में इसको इंजेस्ट कर लेता है। It then secrete digestive juice into the cavity that contain the food, फिर ये food cavity बनी है, that is called food vacuole, इसमें अमीबा digestive juice रिलीज करता है। Once the food is digested, here the food is digested, and you can see the simpler substances are absorbed and the undigested food is released out from the body. It is absorbed and assimilated into body, means isko absorb kar liya jata hai, assimilate means the food gives the energy to the body. Okay, the undigested food is sent out of the body, or undigested food ko to digest, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, दैट इज अनडाइजेस्टेड, उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है।